तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आमिर भाई के और दो बकरे लेने के लिए। कौन कौन से बकरे आमिर भाई? देखिए जरा, ये देखे लड़ लिए इन लोग आपस में, चेक करे जरा कितना इसके अंदर। इन लोग का नाम रखना चाहिए था, इसका नाम रख दो आज से अमिताभ। मैसी एडवर्टाइज करता है भाई इसके साथ फोटो शूट। पांच जाना, पांच जा दे देना चाहिए। सिर्फ ऐसा शौक हो गया तो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। अभी मैं जस्ट आया हूँ आमिर भाई की बिल्डिंग में। आमिर भाई के बकरे आए, एक्चुअली कल ही आ गए थे, बट कल वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि बकरे काफ़ी थके हुए थे और गंदे भी थे। तो आज आमिर भाई ने पूरे बकरे धो दिए और काफ़ी अच्छे माशाल्लाह चमक भी रहे। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कौन कौन से ब्रीड के बकरे हैं और कौन से फार्म में पले हुए। वैसे तो सारे बकरे ऑलमोस्ट साल भर पहले लिए हुए, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये पीछे आमिर भाई है और ये हमारे फजल भाई मेहनत कर रहे। ये दुम्बा और एक बोर है, वो अभी हम लोग लेके आए साथ में। सारे बकरे मैं एक एक करके आप लोग को दिखाता हूँ, सारे सब अलग अलग ब्रीड के बकरे हैं। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं आमिर भाई के और दो बकरे लेने के लिए। कौन कौन से बकरे आमिर भाई? एक बोर है, एक भाई। दो बकरे हैं, एरिया में ही है, बाकी सारे तो फार्म हाउस से आए थे। तो देखते हैं अभी कौन कौन सा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइज, ये दो बकरे हैं जो अभी हम लेने गए थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी इनको टेम्पू में डाल चुके थे, अभी इनको उतारे। माशाल्लाह, ये देखे, चेक करे ज़रा, ये है दुम्बा, इसकी दुम देखे ज़रा, माशाल्लाह देखे कितना प्यार है। ये हमारे एरिया में ही पले हुए है, देखे चेक करे ज़रा, माशाल्लाह इसकी साइज़ देखे। ये जो दूसरा आ रहा है ये बोर है, एक और बोर है वो ऑर्चिड में चला गया। आराम से उतारो भाई इसको, माशाल्लाह चेक करे ज़रा। कामरान भाई थोड़ा साइड हो जाओ, चेक करे भाई ज़रा, ओ माशाल्लाह। भाई साहब ये पहला बकरा है ना, कौन से नस्ल का भाई आमिर भाई? ये हंसा। सो गाइज, ये है हंसा, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ ये ब्रीड। ये एक्चुअली दिखते कोटे की तरह बट होते नहीं। इसकी साइज चेक करें, माशाल्लाह से कितना प्यार है। हाइट वेट में भी ये 100 किलो के ऊपर का बकरा है। सारे बकरे माशाल्लाह प्यारे। ये पहला बकरा हमने निकाला है जो आगे बना हुआ था। ये सारे के सारे आमिर भाई के बकरे जिसकी कुर्बानी होने वाली है और ये सब एक साल से पल रहे फार्म पे। कुछ लोगों को बीच में ख़रीदे, कुछ पिछले साल ख़रीद के डाल दिए थे। जेडी फार्म में मेरे ख्याल से पले। देखे ज़रा, चेक करें इसका। एक अलग चीज़ बताता हूँ आप लोग को, इसकी सिंग चेक करें, एक वाइट है एक ब्लैक है। सो गाइज, ये है सेकेंड बकरा, ये चेक करें ज़रा, माशाल्लाह इतना भरा हुआ बकरा और इतना फुर्तीला है ये। जब से खड़ा है ये आजू बाजू में लड़ी रहा था, मैंने बोला इसको ही निकालो अभी। ये पतीरा है, ये बकरे पिंक होते हैं पूरी तरीके से। इनको अगर चेक करना है, अगर आपको इनकी ब्रीड पता करना है तो ये बकरे को इस तरीके से पता करें कि ये पूरी तरीके से पिंक होते हैं। इनके सर से लेकर पैर तक के आप देखेंगे, इनके खुर भी वाइट होते हैं और सिंग भी है ना मार्बल टाइप की होती है। चेक करें आप ज़रा, इसको नहला दोगे तो आप एकदम वो पिंक दिखेगा। कान ऊन सारे इनके, आँख के पास का हिस्सा, मुंह का हिस्सा पूरा पिंक दिख के आता है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये, चेक करे ज़रा, देखे इसकी साइज़ देखे ज़रा। गाइज, अब ये तीसरा बकरा है, ये जो मेरा फेवरेट है क्योंकि इसकी हाइट मेरे हाइट की है ऑलमोस्ट। अब चेक करें ज़रा ये, माशाल्लाह से देखे इसको। ये कौन सी नस्ल का आमिर भाई?
हैदराबादी है ये, माशाल्लाह देखे। कल आया था, कल थका हुआ था, थोड़ा नरम लग रहा था, बट आज देखे इसको, इनके पास जाने में को डर लग रहा है कि अगर गर्दन उठाएगा तो फजल भाई से लंबा। हाँ फजल भाई हरकत ही है माशाल्लाह से, देखे ना कितना लंबा है। हाइट देखे आप लोग, कोई है ही नहीं टक्कर में। फोर्टी फाइव की हाइट है इसकी ऑलमोस्ट। हरकतें देखे इनकी भाई, इनको छोड़ दिए ना तो ये कहीं से भी नहीं। इन लोग का नाम रखना चाहिए था, इसका नाम रख दो आज से अमिताभ क्या बोल रहे, हेमा मानी नहीं बनता है क्या? नूरे फतेह, ये नूरा फतेह, ये अमिताभ, इसका नाम रख दो भाई अमिताभ। देख रहे क्या माशाल्लाह पले हुए, सब जेडी के पले हुए साल भर से है भाई। जेडी पैसा लेता है बट करता है। ये बाकी के भी बकरे मैं एक एक करके बाहर निकालता हूँ। अभी हमने ये दोनों को लेके आया, एक बोर और ये दुम्बा, ये दोनों को लेने के लिए गए थे। और बाकी तीन बकरे फजल भाई के घर पे भी है, जो फजल भाई ने अपने घर में पाला है वो जेडी पे नहीं पले, वो बरबरे और दो कुल्स है। और तीन बकरे चले गए हैं ऑर्चिड टावर में, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, हो सका तो आज, वरना मैं कल ऐड कर दूंगा उसको। ये बाकी अभी जो आ रहा है देखे ज़रा वो बकरे को आप लोग। सबसे खतरनाक अंदर आते जरा चेक कर लो तस्वीर पूरी गरम हो जाती है। ये जो है ना ये होंगे फेवरेट की है, ये मेरा फेवरेट, ये इसलिए ही फेवरेट। हेलो इधर है, इसकी हरकत देखो बस। इसके पास कोई आ जाए ये ने इसकी वाट लगा दे रहा है। तो गाइस ये सब में सबसे खतरनाक बकरे का अब मैं लोग को दिखाता हूँ, है तो सबसे छोटा मगर सबसे खतरनाक। ये देखे जरा, ये देखे लड़ ली इन लोग आपस में, चेक करे जरा कितना इसके अंदर गर्मी है। ये ने सीधा मारते है ना कालू, आड़ी मारता भाई, आड़ी मारता और बहुत गंदा मारता भाई। मैं पहले हटूं इसके पास, ये देखे यार कितना इसके अंदर, ये भाई बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ये, इसके अंदर जितनी खुजली है ना शायद ही किसी में होगी। पास जाना दे देना चाहिए, एक आधा दे देना चाहिए, ले ले। अरे माशाल्लाह देख रहे इसकी हरकतें देखो। ये कौन से नजर का, ये भी सूजी, ये मालवा क्रॉस। एक्चुअली एक और बकरा था वो अभी ऑर्चिड में, वो और प्यारा था, उसका भी इंशाल्लाह वीडियो बना लेंगे। देखे हरकत देखे इसकी
बस रस्सी छोड़ के करो ना, मार दे देगा आप दे। अबे भर देगा भाई, वो किसी और को दे देगा, जाने दे। फजल भाई ज्यादा गर्म हो गए, नहीं बकरे से ज्यादा गर्म हो गए। ये है खिलौना, अगर इसको है ना, ये देखो इधर पे फर्स्ट पे हमने कल बांध रखा था, किसी को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था ये। इसकी हरकतें इतनी है ना, बाप रे शेर है शेर। चलते फिर तो उंगली करता, कोई बाजू में इसके इतने दूर भी खड़ा हुआ ना तो मारता उसको। माशाल्लाह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हो गए, ये 7 और ये 8 यहाँ बैठे। ये सारे अंडुल की कैटेगरी में, बाकी के उधर पे बकरे खस्सी है जो, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। और बाकी ये देखिए 6 तो इधर ही हो गए, ये देखिए हरकतें देखो उन लोग की। बाहर थोड़ा ठंडे थे मगर अभी ये निकलेगा कैसे वो देखना है। इतनी बड़ी रस्सी में तो इन लोग लड़ लड़ के मर जाएंगे सब। एकदम है ना खुकार होश में आ गया तुरंत जैसे वो अंदर आया। ये बाप रे, देखे चालू इन लोग ने कल रात में है ना उधम मचा रखा है। रस्सी छोटी कर दो भाई, फजल भाई हाइट माशाल्लाह। इन लोग की रस्सी छोटी कर रहे ताकि प्रॉब्लम ना दे। बाकी भाई के पास अभी 3 बकरे हैं और 3 बकरे और चिप चले गए ना, वो जो जेडी का सबसे बड़ा खतरनाक बकरा था वो भी है, वो अभी ऑर्चिड में इंशाल्लाह हो सकेगा तो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा उसको भी। वैसे कल मैंने वीडियो बनाया था उसका, बट थका हुआ था और काफ़ी गंदा था। देखे लोग को चिल्ला पुकार दे दो, ये आ जाए। इसका कल सिंग पे लग गया एक्चुअली, इसने यहाँ पे लड़ लिया था, देखें मार लिया था, इसकी वजह से उसको सिंग पे लग गया। तो गाइज ये देखिए पूरा पिंक बच्चा है, ये घर का पला हुआ बच्चा है, ये साल भर से पल रहा है। ये अभी जैसा दिख रहा है ऐसा था नहीं, ये ऑलमोस्ट 100 किलो 80 किलो तक के होगा, 90 किलो तक के था, बट अभी ये कम हो चुका है क्योंकि इसके सिंग पे आप देखेंगे ना लग गया था, लड़ लड़ के इसने तोड़ लिया था अपनी सिंग, और अभी फिर से इसको वापस से लग गया। ये घर का पला हुआ बच्चा है, इसको इधर ही पाले थे इन्होंने। ये देखे आप कितना गंदी तरीके से लगा, और ऊपर से आज कल ये आते ही वापस लड़ लिया यहाँ पे। माशाल्लाह देखे पूरा पिंक है, ये काफ़ी हैवी था, नई नई करके इसके बराबर का था, बट अभी ये जब से इसको लगा है थोड़ा कम हो चुका। देखे माशाल्लाह इसके दिखाता हूँ मैं आप लोग को, देखे पूरा पिंक है, गैस हो गई है उसको। ये बोर देखे इसके हाइट, ये अभी जस्ट लेके आए। चलो आप लोग को ले चलता हूँ खस्सी के इधर पे सामने। तो गाइस अभी आप लोग को दिखाता हूँ खस्सी और मेंढा जो यहाँ पे सामने बंधे हुए, ये देखें। ये 1, 2, 3, 4 ये दूसरे के, बाकी सारे ये इधर से बांध रखे ताकि बकरे बाहर ना। तो गाइस ये है दरवाज़ा, देखे
बंद हो गया। ये है बकरे अपने, ये सारे खस्सी है, छोटे छोटे भी है थोड़े खस्सी है। और ये है अपना मेंढा हुकुम का इक्का, हर साल एक मेंढा रहता है। लास्ट टाइम भी मैंने एक फ़ोटो लिया था मेंढे का। ये माशाल्लाह से एकदम बड़ा खस्सी है, कौन सी नस्ल का भाई? काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। सिरोही। ये देखें, बाकी ये दूसरे लोग के बिल्डिंग्स के किसी के, ये भी बहुत टेढ़ा बकरा बन गया। ये कोटा भी इधर का, कोटा कौन सा पता नहीं। ये बेंटम देखे ज़रा, ये मेरे घुटने से भी छोटा है। शौकीन आदमी इसको बोलते हैं, जो साल साल भर से पालते हैं। और ऑलमोस्ट जब लिए होंगे तो भी बड़ा ही होगा, फिर भी पालने के लिए लेना और बड़ी बात। सिर्फ ऐसा शौकीन कर सकता है जिसको शौक होगा, वरना कौन इतना पैसा खर्चा करता है आज के। सो गाइस, ये है अपना लास्ट बकरा बोर। ये बोर नस्ल है ना प्रॉपर बाहर के। इसकी हाइट देखेंगे ना तो थोड़ा मेरे ख्याल से तो बोर लोग से भी कम है। एक्चुअली प्योर बोर है ये, क्रॉस नहीं है। ये होते ही ऐसे, इनकी टांगे बहुत छोटी होती है। सबसे महंगा गुज भी इनका ही होता है ना। मैसी एडवर्टाइज करता है भाई इसके साथ फोटो शूट। असली बोर देख रहे आप इसकी हाइट, ये फजल भाई के घुटने तक के आ रहा। दूसरा बोर भी था ना भाई, वो ऑर्चिड पहुंच गए आएगा। एक और बोर है वो ऑर्चिड टावर में रहेगा। ये दुम्मा है भाई साहब, देखे जरा दुम्मा माशाल्लाह से। ये मेरे को दांत क्यों दिखा रहा है भाई? बैठे हुए कितने शांत लग रहे थे। पूरे खाने का बर्बादी। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये देखे जरा कालू को किस तरीके से बड़ा करे, मेरे को अंदर आने ही नहीं दे रहा था। ये फुल गर्म हो गया, अभी नहीं मालूम क्या हो गया इसको। तो बाय, मिलते हैं माय नेक्स्ट व्लॉग में। सब गर्म हो रहे धीरे धीरे नहीं। सो गाइज, अभी मैं जस्ट जा ही रहा था घर के लिए, और आप लोग देखेंगे ये फिर से लड़ लिए, और इसके देखे खून आ गया यहाँ पे। ये कैसे ठीक होगा इसका यार? ये इतना प्यारा बकरा था, ऑलमोस्ट 90 केजी का था, और अभी 60 केजी पे आके रुका होगा, 60 केजी पे। देखेंगे आप लोग, बहुत बुरा लगता है साल भर पला हुआ बकरा। ये देखिए किस तरीके से खून आ रहा है इसको पूरा। अरे ये तो शांति नहीं हो रही। मैं जस्ट निकल ही रहा था, और ये देखे क्या हो गया।